हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। आज हम अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम के साथ साथ पिछले 9th मंथ के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 31st October. It was introduced by the Government of India in 2014. The day is celebrated to mark the birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel. तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे से ये एसोसिएटेड है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि हर साल 31st अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे कहते हैं। इम्पोर्टेंट। 31st October is observed as, right answer is option A, World Thrift Day or World Saving Day. This day was established to inform people all around the world about the idea of saving their money in a bank rather than keeping it at home. 1984 में इसी दिन इंदिरा गांधी जी के डेथ की वजह से ये दिन 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27th October is observed as, right answer is option C, World Day for Audio Visual Heritage. Recorded sound और audio visual documents के संरक्षण और महत्व के awareness को raise करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जिसकी theme रही है enlisting documentary heritage to promote inclusive, just and peaceful societies. Next, United Nations Day is celebrated on, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 24th October. यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लेते हैं। ये फाउंड हुआ था 24th अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका मेंबर कंट्रीज है 193 मेंबर। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पोलियो डे एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन 24th अक्टूबर। नेक्स्ट, 17th अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज, राइट आंसर ऑप्शन सी, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसकी थीम रही है फ्रेंड्स डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 16th अक्टूबर। ये डे फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं, जो कि फाउंड हुआ था 16th अक्टूबर 1945 में और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है क्यो डोंगियो। नेक्स्ट, 15th October is observed as, right answer is option D, all of the above. World Student Day, Global Hand Washing Day and International Day of Rural Women, ये तीनों डे इसी दिन मनाए जाते हैं 15th October को। World Students Day, जो कि commemorates करता है former President APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे को, 2010 में United Nations के द्वारा declared किया गया था October 15 को World Student Day के रूप में मनाया जाएगा। Global Hand Washing Day 15th अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 2022, रूरल वीमेन की फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 13th अक्टूबर। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि 13th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी थीम रही है 2022 की अर्ली वार्निंग। नेक्स्ट, 12th अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, जिसकी थीम रही है इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 11th अक्टूबर। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया जाता है 11th अक्टूबर को, जिसकी थीम रही है अवर टाइम इज नाउ, अवर राइट अवर फ्यूचर। 10th अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। पोस्टल सर्विस इंडिया में शुरू की गई थी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसकी थीम रही है 2022, मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 9th अक्टूबर। वर्ल्ड पोस्ट डे
जो कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसकी थीम रही है पोस्ट फॉर प्लानेट। इस डे को एस्टेब्लिश किया गया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में देख लेते हैं। ये फाउंड किया गया था 9 अक्टूबर 1874 में। हेडक्वार्टर इसका बन में है, जो कि स्विट्जरलैंड की कैप। फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड पोस्ट डे है जो कि 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 10 अक्टूबर को आपको याद रखना है नेशनल पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट, 8th अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स डे क्योंकि ऑफिशियली ऑब्जर्व्ड किया गया था 8th अक्टूबर 1932 को। इंडियन एयर फोर्स का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, विच इज टेकन फ्रॉम भगवद गीता। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। ये आपको याद रख, जिसकी थीम रही है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। पूरे वर्ल्ड के टीचर्स की सिचुएशन और स्टेटस को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को आईएलओ के रिकमेंडेशन कमेमोरेट किया जाता है। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंड किया गया था 1946 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल करंट में है ऑड्रे अजोले। आईएलओ के बारे में देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंड किया गया था 1919 में, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और सेक्रेटरी जनरल गिल्बर्ट होंगबो है, और इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1969 में। ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ ली गई है। 2nd अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायोलेंस एंड गांधी जयंती, महात्मा गांधी के बर्थडे को 2nd अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जो कि बोर्न हुए थे 2nd अक्टूबर 1869 में। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायोलेंस जो कि ऑब्जर्व किया जाता है कॉमेमोरेट करने के लिए महात्मा गांधी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम 2007 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1st अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स, जिसकी थीम रही है 2022 की द रेजिलियंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्डर विमेन। यहाँ पर अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट वीक्स की बात कर लेते हैं। डिसआर्ममेंट वीक जो कि सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 24 से 30 अक्टूबर तक। वर्ल्ड स्पेस वीक जो कि अक्टूबर 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ वीक जो कि अक्टूबर 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd सेप्टेम्बर, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसकी 2022 की थीम रही है ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। नेक्स्ट, नेशनल टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 5th सेप्टेम्बर, सिंस 1962 टू मार्क द बर्थडे ऑफ द कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉलर फिलोसफर एंड भारत रत्न अवॉर्डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी आपको याद रखना है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th सेप्टेम्बर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इस दिन मदर टेरेसा जो कि कलकत्ता से बिलोंग करती थी उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। मदर टेरेसा ने रिसीव किया था नोबेल पीस प्राइज इन 1979। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 8 सितंबर। इसकी थीम रही है 2022 की ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 सितंबर, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की थीम रही है 2022 की क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, जो कि ट्राइनियल थीम है 2021 से 2023 तक। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 10th सेप्टेम्बर। द 2nd सैटरडे ऑफ सेप्टेम्बर इज डिजाइनेटेड एज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये आपको याद रखना है, जिसकी 2022 की थीम रही है लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th सेप्टेम्बर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिंदी डे। हिंदी डे जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है टू यूज इट वाइडली टू मेक इट द पीपल्स लैंग्वेज। इन 1977
अटल बिहारी वाजपेयी प्राउडली शोड रिस्पेक्ट फॉर द हिंदी लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड अ स्पीच इन हिंदी लैंग्वेज टू द यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेप्टेम्बर 16 एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्ल्ड ओजोन डे, जिसकी थीम रही है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन लेयर जो कि पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायरस रेडिएशन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आपको याद रखना है, ये ओजोन लेयर से एसोसिएटेड है, जो कि साइन किया गया था 1987 में टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं एरोसोल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोन्स। फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल डे ऑफ इंजीनियर्स आर सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 15th सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 की थीम रही है द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंटरनेशनल डे ऑफ इंजीनियर्स की थीम रही है इंजीनियरिंग फॉर अ हेल्दी प्लानेट, 2021 की थीम है, ये आपको याद रखनी है। और याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल डे ऑफ इंजीनियर्स 15th सितंबर को ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेप्टेम्बर 21? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जिसकी थीम रही है 2022 की एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 27th सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम रही है रिथिंकिंग टूरिज्म। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेप्टेम्बर 25? फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस जो कि मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इस साल इनकी 105th बर्थ एनिवर्सरी है, ये भी आपको याद रखना है। दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी को अंत्योदय दिवस के रूप में हर साल 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 26th सितंबर। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे की थीम रही है Strengthening Environmental Health System for the Implementation of the Sustainable Development Goals. Next, which day is celebrated on September 28? Friends, right answer is option B, World Rabies Day. World Rabies Day, जिसकी theme रही है 2022 की One Health Zero Death. Next, which day is celebrated on September 29? Right answer is option C, World Maritime Day. वर्ल्ड मैरिटाइम डे जिसकी थीम रही है न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। वर्ल्ड मैरिटाइम डे वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो कि फाउंड की गई थी 17th मार्च 1958 में। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और हेड सेक्रेटरी जनरल है किटेक लिम, ये भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? September 1 to 7 September तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है बाय द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल एंड क्विट इंडिया डे आर सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 9th August। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल 2022 की थीम रही है द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। 9th August को हर साल नागासाकी डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 9th August को 3 days सेलिब्रेट किए जाते हैं, नागासाकी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल एंड क्विट इंडिया डे। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 12 एवरी ईयर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इंटरनेशनल यूथ डे, जिसकी थीम रही है 2022 की इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट, वेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे एंड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 19th August। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जिसकी 2022 की थीम रही है इट टेक्स अ विलेज वर्ल्ड और फोटोग्राफी डे की थीम रही है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रो द लेंस। नेक्स्ट, वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 20 अगस्त।
वर्ल्ड मॉस्किटो डे की थीम रही है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड संस्कृत डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 12th August। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू एनकरेज एंड मेक द अपकमिंग जनरेशन फैमिलियर विद द ओल्डेस्ट लैंग्वेज एंड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, वेन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 29th August। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू अचीव द गोल ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 29th August, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद। 2022 की थीम रही है सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 30? आंसर इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डे, टू प्रमोट द स्मॉल इंडस्ट्रीज एज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा 1st से 7th August तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही है 2022 की स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1st July। नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम रही है 2022 की फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय इज द रिमेम्बर्ड ऑन दिस डे। ही वॉज अ फेमस डॉक्टर एंड वेस्ट बेंगोल्स सेकेंड चीफ मिनिस्टर। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11th July। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम रही है 2022 की अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मलाला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 12th July। ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 12 जुलाई को ऑन द ओकेशन ऑफ यंग एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई बर्थडे। In 2014, at age 17, she became the youngest ever recipient of Nobel Peace Prize in recognition of her efforts for children's rights, which had begun even before she was shot. She has authored book title, We Are Displaced. ये आपको याद रखना है, ये important day है, आप याद रखिएगा। World Youth Skills Day is celebrated on which date? Right answer is option B, 15th July. इसकी थीम रही है Transforming Youth Skills for the Future. Next question, Nelson Mandela International Day is celebrated on which date? Right answer हो जाएगा friends option A, 18th July. 2022 की Nelson Mandela International Day की थीम रही है Do what you can with what you have where you are. The day is a remembrance of the first democratically elected president of South Africa and his long years of struggle for justice against apartheid. So friends, Nelson Mandela Day मनाया जाता है 18 जुलाई को, याद रखिएगा। Next question, World Brain Day is celebrated on which date? Right answer is option B, 22nd July. World Brain Day की थीम रही है Brain Health for All, ये भी आपको याद रखना है। Next question, National Broadcasting Day is celebrated on which date? Right answer is option C, 23rd July. Important facts देख लेते हैं इसके बारे में। The day aims to remind Indian citizens about the impact of radio on our lives. Akashvani or All India Radio, AIR भी जिसे कहते हैं, is India's home ground national radio broadcasting service which reaches millions of homes across the nation. Next question, Income Tax Day is celebrated on which date? Right answer is option A, 24th July. Income Tax Day, जो कि observed किया जाता है Central Board of Direct Taxes, CBDT के द्वारा। The Central Board of Direct Taxes is a statutory authority functioning under the Central Board of Revenue Act 1963, याद रखिएगा। Next question, Kargil Vijay Divas is celebrated on which date? Right answer is option D, 26th July. Kargil Vijay Divas is the celebration of India's historic win over Pakistan on July 26, 1999. Next, World Hepatitis Day is celebrated on which date? Right answer is option B, 28th July. World Hepatitis Day ki theme rahi hai Bringing Hepatitis Care Closer to You.
इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 29th जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 29th जुलाई को, 2022 की थीम रही है इसकी, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर इन द ईयर 1973 टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1st जून। द एम इज टू अचीव डेयरी नेट जीरो। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड 1st जून एज वर्ल्ड मिल्क डे। फाओ के बारे में पढ़ लेते हैं। फाओ की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड किया गया था 16th अक्टूबर 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू करंट में, और मेंबर्स कंट्रीज हैं 195 मेंबर कंट्रीज हैं, ये भी आपको याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बाइसिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 3rd जून। वर्ल्ड बाइसिकल डे जो कि फर्स्ट टाइम मनाया गया था 3rd जून 2018 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 5 जून। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम रही है ओनली द अर्थ। द ईयर 2022 मार्क द 50th वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। स्वीडन इज द होस्ट कंट्री इन दिस ईयर, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड एनवायरमेंट जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम रही है ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 7 जून। 2022 की वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम रही है सेफर फूड बेटर हेल्थ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 8 जून। वर्ल्ड ओशन डे 2022 की थीम रही है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 12th जून। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 की थीम रही है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। द ILO लॉन्चेस द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन 2002 टू फोकस अटेंशन ऑन द ग्लोबल एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड लेबर एंड द एक्शन एंड एफर्ट्स नीडेड टू एलिमिनेट इट। कैलाश सत्यार्थी फाउंड अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर इन इंडिया। ही स्टार्टेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980। नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट 2014। फ्रेंड्स, ILO के बारे में देख लेते हैं। ILO जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये फाउंड किया गया था 1919 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और सेक्रेटरी जनरल गिलबर्ट होंगबो है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 14 जून। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम रही है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। The host nation for World Blood Donor Day 2022 is Mexico. Next question, World Refugee Day is celebrated on which date? Friends, right answer is option D, 20th June. World Refugee Day theme 2022 rahi hai Together We Heal, Learn and Shine. Next question, International Day of Yoga is celebrated on which date? Right answer ho jayega friends option B 21st June. International Day of Yoga jiski theme rahi hai 2022 ki Yoga for Humanity. Important facts dekh lete hain. Is saal iska 8th edition tha. The India of International Day of Yoga was first proposed by Indian Prime Minister Narendra Modi during his speech at United Nations General Assembly UNGA on 27th September 2014. World Music Day is also celebrated on 21st June, जिसकी थीम रही है Music on the Intersections. ये भी आप याद रखिएगा, important question. International Olympic Day is celebrated on which date? Right answer हो जाएगा friends option C 23rd June. International Olympic Day की theme रही है Together for a Peaceful World. International Widows Day is also celebrated on 23rd June 2022. याद रखिएगा International Widows Day theme 2022 रही है Sustainable Solutions for Widows Financial Independence.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 26 जून। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की 2022 की थीम रही है अड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 29 जून। नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो कि 29 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम रही है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट वॉज इनिशियली ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जून 2007 टू ऑनर प्रोफेसर पी सी महलानोबिस एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैटिस्टिकल रिसर्च एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 30 जून। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे की थीम रही है 2022 की स्मॉल इज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 मई। इंटरनेशनल लेबर डे जो कि 1 मई को मनाया जाता है 2022 की थीम रही है इसकी। नो थीम हैज बीन असाइंड फॉर 22 बट 2021 थीम रही थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। नेक्स्ट, वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 3 मई को। इसकी थीम रही है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि 3 मई को ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम रही है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो आंसर है 7 मई। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो कि 7 मई को मनाया जाता है, इसकी 2022 की थीम रही है एथलेटिक फॉर अ बेटर वर्ल्ड। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 11 एवरी ईयर? आंसर है फ्रेंड्स, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 11 एवरी ईयर, जिसकी थीम रही है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 12 एवरी ईयर? आंसर, वर्ल्ड नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 12 एवरी ईयर, जिसकी थीम रही है नर्सेस अ वॉइस टू लीड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो फ्रेंड्स, 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है, जिसकी 2022 की थीम रही है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, जिसकी थीम रही है 2022 की मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लीव लॉन्गर। नेक्स्ट, वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर है फ्रेंड्स 20 मई। वर्ल्ड बी डे जो कि 20 मई को मनाया जाता है, इसकी 2022 की थीम रही है बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर 20 मई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो कि 20 मई को मनाया जाता है, इसकी 2022 की थीम रही है मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 21 एवरी ईयर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए एंटी टेररिज्म डे। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि राजीव गांधी जो कि हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करते हुए एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है हर साल 21 मई को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर 22 मई। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि 22 मई को मनाया जाता है, 2022 की थीम रही है इसकी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर 21 मई। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर विमेन्स हेल्थ इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर 28 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर विमेन्स हेल्थ जो कि 28 मई को मनाया जाता है हर साल 2022 की, इसकी थीम रही है इमेजिन अ जेंडर इक्वल वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर 29 मई। 2022 की इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स की थीम रही है पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स।
Which day is celebrated on May 31st every year? Answer, World Anti-Tobacco Day. World Anti-Tobacco Day, जो कि 31st मई को हर साल मनाया जाता है, 2022 की इसकी थीम रही है, Tobacco Threat to Our Environment. Next question, When is Odisha Day, Utkal Divas, celebrated every year? Right answer हो जाएगा friends, option A, 1st April. फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इस दिवस के बारे में. अप्रैल 1st एवरी ईयर टू रिमेंबर द फॉर्मेशन ऑफ द ओडिशा स्टेट आफ्टर अ स्ट्रगल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. लोकसभा के द्वारा ओडिशा बिल को पास करते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 113 लाकर मार्च 2011 में इसका रीनेम कर दिया गया और ओडिशा नाम रखा गया. ओडिशा के बारे में देख लेते हैं. ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर. करंट सीएम है नवीन पटनायक जी एंड गवर्नर है गणेशी लाल जी. ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स. नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 2nd अप्रैल. तो फ्रेंड्स वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो कि 2nd अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम रही है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. नेशनल मैरिटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 अप्रैल. 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे मनाया जाता है और 2022 की इसकी थीम रही है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19. Important fact, this year is the 59th edition of National Maritime Day. आप याद रखिएगा इसे. Next, World Health Day is celebrated on which date? Answer जाएगा option C, 7th April. Most important day है ये, आप जरूर याद रखिएगा. World Health Day, जिसकी 2022 की थीम रही है Our Planet, Our Health. Important fact देख लेते हैं. World Health Organization जो कि फाउंड हुआ था 7th अप्रैल 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल है करंट इसके टेड्रोस एडानोम. नेक्स्ट, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो आंसर 10th अप्रैल. तो 10th अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है जिसकी थीम रही है 2022 की पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. The day is also celebrated to commemorate the birth anniversary of Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Hahnemann, born in Paris in 1755, founded this branch of medicine and is considered the father of homeopathy. Next, International Day of Human Space Flight is celebrated on which date? आंसर 12th अप्रैल. 12th अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है. 12 अप्रैल को कोलंबिया ने लॉन्च किया था 1981 फर्स्ट स्पेस शटल STS-1 को, विच इज ऑल्सो कमेमोरेट ऑन दिस डेट. नेक्स्ट, सियाचिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर 13 अप्रैल. द डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द करेज ऑफ द इंडियन आर्मी अंडर ऑपरेशन मेघदूत. The Siachen Glacier is the highest battleground on Earth where India and Pakistan have fought intermittently since 1984. Next question, Ambedkar Jayanti, also known as Bhim Jayanti, is celebrated on which date? Right answer is option A, 14 April. Dada Sahab Dr. Bhim Rao Ambedkar ki birth anniversary ko commemorate karte hue 14 April ko celebrate kiya jata hai Ambedkar Jayanti ko har saal. In 2022, we are marking the 131st birth anniversary of Baba Saheb. Dr. Ambedkar is known as Father Chief Architect of the Indian Constitution. He was the first Law and Justice Minister of country after the independence. Inko Bharat Ratn diya gaya tha posthumously in 1990 mein. Yaad rakhiyega, important hai ye. Next question, which anniversary of the Jallianwala Bagh massacre did we celebrate in the year 2022? Right answer is option C, 103rd anniversary. Important fact dekh lete hain. Jallianwala Bagh hatyakand jo ki jana jata hai Amritsar hatyakand ke naam se bhi, ye hua tha 13 April 1919 mein. Dyer's order, there was ruthless firing done on the uninformed crowd. There were about 25,000 people present there at the time of the firing. Next, Save the Elephant Day is celebrated on which date? Answer, 16th April. Friends, 16 April ko Save the Elephant Day manaya jata hai. The day is established by the Thailand-based Elephant Reintroduction Foundation. Next, World Hemophilia Day is celebrated on which date? Right answer ho jayega friends, 17th April. 17th अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है. 2022 की इसकी थीम रही है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस.
इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में. द डे वॉज चूजन इन ऑनर ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया फाउंडर फ्रैंक सचनाबेल बर्थडे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. राइट आंसर इज ऑप्शन बी 18th अप्रैल. 2022 की वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम रही है हेरिटेज एंड क्लाइमेट. इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में. इंडिया इज होम टू अ टोटल ऑफ 3691 मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स. ऑफ दीज 40 आर डिजाइनेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूडिंग प्लेसेस लाइक द ताजमहल, अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड रामप्पा टेम्पल. नेक्स्ट, वर्ल्ड लीवर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. आंसर 19th अप्रैल. 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कॉज ऑफ लीवर डिजीज एंड टिप्स फॉर इट्स प्रिवेंशन सो एज टू टेक होलिस्टिक केयर ऑफ द लीवर. नेक्स्ट, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. आंसर 21st अप्रैल. 21st अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है और इसकी थीम रही है कोलैबोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. राइट आंसर इज ऑप्शन सी 21st अप्रैल. इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे इसके बारे में. टू कमेमोरेट द डे व्हेन सरदार वल्लभ भाई पटेल द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एड्रेस्ड प्रोबेशनर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर एट दिल्लीज मेटकॉफ हाउस इन 1947. इन हिज एड्रेस ही कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स को किसने कहा है, तो ये कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. आप याद रखिएगा. और नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21st अप्रैल को हर साल. नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. आंसर 22nd अप्रैल. वर्ल्ड अर्थ डे जो कि 22nd अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, इसकी 2022 की थीम रही है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट. इम्पोर्टेंट फैक्टर, अर्थ डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 22nd 1970. नेक्स्ट, वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है और 2022 की इसकी थीम रही है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स. ये आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24th अप्रैल. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि पास किया गया था 1992 में इज ऑल्सो कॉमेमोरेट ऑन दिस डे. राजस्थान स्टेट वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया. बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया. ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप याद रखिएगा. नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को ये हर साल मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26th अप्रैल. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022 की थीम रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसे वीपो भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके करंट हेड है डेरेंग टैंग. ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 29th अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. इंटरनेशनल वॉइस डे 16 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. और यूएन इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 23rd अप्रैल को, याद रखिएगा. नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. आंसर 3rd मार्च. 2022 की इसकी थीम रही है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. आंसर जाएगा 4th मार्च. 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस. अपार्ट फ्रॉम दिस, नेशनल सिक्योरिटी वीक 2022 इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम मार्च 4 टू मार्च 10, 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8th मार्च. 2022 की इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम रही है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो. नेशनल वीमेंस डे को भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है और इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है और नेशनल वीमेंस डे 13 फरवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ सरोजनी नायडू. तो सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी को
कॉमेमोरेट करते हुए नेशनल विमेंस डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी जो कि बोर्न हुई 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद इंडिया में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ल्ड किडनी डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 मार्च। वर्ल्ड किडनी डे जो इस साल की इसकी थीम रही है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 2nd Thursday ऑफ मार्च एवरी ईयर, याद रखिएगा। तो इस साल 10 मार्च को थर्सडे पड़ा था। नेक्स्ट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 मार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। 2022 की वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की थीम रही है फेयर डिजिटल फाइनेंस। मीनवाइल नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ये भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा 16 मार्च। 2022 की इसकी थीम रही है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 18 मार्च। 2022 की थीम रही है ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे की रिसाइक्लिंग फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा 20 मार्च। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम रही है कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड। नेक्स्ट वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा 20 मार्च। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है और 2022 की थीम रही है इसकी आई लव स्पैरोज। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। 2022 के इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम रही है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 2022 की इसकी थीम रही है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 23rd मार्च। 2022 की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम रही है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। इट इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। WMO के बारे में देख लेते हैं, जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ये फाउंड हुआ था मार्च 23 को 1950 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और करंट सेक्रेटरी जनरल है पैट्री टालस। नेक्स्ट मार्टर्स डे और शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 23rd मार्च। 23rd मार्च को शहीद दिवस और सर्वोदय डे मनाया जाता है। द डे वॉज ऑब्जर्व टू पे ट्रीब्यूट टू द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राज हु लेट देयर लीव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। ऑल्सो 30th January इज ऑब्जर्व एज मार्टर्स डे और शहीद दिवस इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मार्च 24। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम रही है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th March 2022, राइट आंसर इज ऑप्शन ए अर्थ आर डे। 2022 की अर्थ आर डे की थीम रही है शेप आर फ्यूचर, ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। द अर्थ आर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ। नेक्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1st February। इंडियन कोस्ट गार्ड इज सेलिब्रेटिंग इट्स 46th रेजिंग डे ऑन 1st February 2022। 4th largest कोस्ट गार्ड इन द वर्ल्ड है ये, और करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड है वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2nd February। 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम रही है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 फरवरी। 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और 2022 की थीम रही है इसकी क्लोज द केयर गैप। ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ग्लोबली ऑन 4th February बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 6 फरवरी. 2022 की इसकी थीम रही है एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. This day is sponsored by the United Nations for their efforts to eradicate female genital mutilation. Move to the next question. World Pulses Day is celebrated on which date? Right answer is option A, 10th February. 2022 की World Pulses Day की थीम रही है Pulses to empower youth in achieving sustainable agri-food system. आप ये याद रखिएगा. Next question. वर्ल्ड यूनानी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर जाएगा 11th फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 11 एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान एन एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर जाएगा फ्रेंड्स 11th फरवरी. इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस जो कि 11 फरवरी को मनाया जाता है 2022 की इसकी थीम रही है इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 13 फरवरी. 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है. द डे वॉज प्रोक्लेम्ड इन 2011 बाय द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनेस्को एंड अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2012. यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं. यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. फाउंड हुआ था ये 1946 में. इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 13 फरवरी. Indian National Women's Day is observed every year on 13 February to commemorate the birth anniversary of Sarojini Naidu. This year, nation celebrates its 143rd birth anniversary. She was born on February 13, 1879. She was famous for her nickname, Nightingale of India or Bharat Kokila because of her poems. Next, World Day of Social Justice is celebrated on which date? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20 फरवरी. वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो कि 20 फरवरी को मनाया जाता है 2022 की इसकी थीम रही है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 21 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 2022 की इसकी थीम रही है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेज लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर जाएगा फ्रेंड्स 28 फरवरी. इसकी थीम रही है 2022 की इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. ऑन दिस डे सर सीवी रमन हैड अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन 1930. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइनेटेड 28 फरवरी एज नेशनल साइंस डे NSD इन 1986. ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1 जनवरी. DRDO जिसकी फुल फॉर्म है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑब्जर्व किया गया है 64th फाउंडेशन डे ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑन January 1, 2022. इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में DRDO. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है करंट समीर वी कामत. ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 जनवरी. द डे इज मार्क रिमेम्बर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल द इन्वेंटर ऑफ ब्रेल फॉर पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटीज. नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे और ऑल्सो नॉन एज प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को नॉन रेसिडेंट इंडियन डे और भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है. इसकी 2022 की थीम रही है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत. जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे और बन गए थे महान प्रवासी जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को लेड किया था और इंडिया को फ्री किया था ब्रिटिश और कॉलोनियल रूल से. तो आप 9 जनवरी को जरूर याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ये मनाया जाता है. इम्पोर्टेंट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 10th जनवरी. द डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विच वॉज इनोग्रेटेड ऑन जनवरी 10th 1975 बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. नेशनल हिंदी डे आपको पता होगा 14th सेप्टेम्बर को मनाया जाता है. इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर है 11th जनवरी. The day aims at raising awareness of the plight of human trafficking victims and promoting the protecting their rights. Friends, याद रखिएगा Article 23(1) of the Indian Constitution बात करता है trafficking in human beings or person is prohibited. Next, Indian Army Day is celebrated on which date? Answer जाएगा 15th January. 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है. द डे इज मार्क्ड टू कमेमोरेट द डे व्हेन जनरल लेटर फील्ड मार्शल के एम कैरियप्पा took over the command of the army from General Sir F.R.R. Butcher, the last British Commander-in-Chief in 1949 and become the first Commander-in-Chief of India Army post-independence. Next, National Youth Day is celebrated on which date? Answer jayega 12th January. 12 January ko National Youth Day manaya jata hai 2022 ki iski theme rahi hai It's All in the Mind. Important fact dekh lenge iske bare mein. In India, the National Youth Day is celebrated on 12th January annually to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda. In 2022, we are observing the 159th birth anniversary of Swami Vivekananda, jo ki born hue the 12th जनवरी 1863 में. इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को, ये भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर जाएगा ऑप्शन सी 23rd जनवरी. द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 23rd एज पराक्रम दिवस टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. दिस ईयर इज द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेताजी वॉज बोर्न ऑन जनवरी 23rd 1897 इन कटक इन ओडिशा. या आप याद रखिएगा पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को और ये एसोसिएटेड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से, ये भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 24 जनवरी. 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है. द डे वॉज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2008 एज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर 24th जनवरी. 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है. इसकी 2022 की थीम रही है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. नेक्स्ट, नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर जाएगा फ्रेंड्स 25 जनवरी. तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल. नेशनल टूरिज्म डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर जाएगा ऑप्शन सी 25th जनवरी. 2022 की नेशनल वाटर्स डे की थीम रही है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव. इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे. मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 25th जनवरी 1950 में फाउंड हुआ था. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रह चुके हैं सुकुमार सेन जी. याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. राजीव कुमार जी इज द करंट 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इन्होंने रिप्लेस किया है 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र जी को, तो ये भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर है 30th जनवरी को, जिसकी थीम रही है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी. वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी एवरी ईयर. मार्टर्स डे और शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 30 जनवरी इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी हु वाज असैसिनेटेड एट गांधी स्मृति इन द बिरला हाउस बाय नाथूराम गोडसे इन 1948. इम्पोर्टेंट याद रखिएगा. फ्रेंड्स, जनवरी से लेके अक्टूबर मंथ तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम रही है उन्हें इस वीडियो में कवर किया गया है. इस सेशन से आपको आने वाले एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे. फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा. चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.